खंडवा जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद खंडवा जिले की बॉर्डर से लगे जिलों में भी लोगों में अब दहशत का माहौल देखा जा रहा है। खंडवा जिले की बॉर्डर से लगे नेपानगर में नगर के हेल्प द पुअर ग्रुप के युवाओं और पार्षदों ने नेपानगर में आने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया है। मैं समाचार पत्रों से माध्यम से प्राप्त जानकारी अनुसार नेपानगर से 60 किलोमीटर दूर खंडवा जिले में कोरोना के पॉजिटिव 5 पॉजिटिव मिले हैं। इससे नेपानगर तो महाराष्ट्र की सीमा से बहुत पास है और खंडवा जिले से लगा हुआ है। इसी की सुरक्षा के दृष्टि से लेकर हमने कि हमारे जिले में कोरोना की दस्तक ना हो, इसलिए हमने इस बॉर्डर को सील किया हुआ है। कोई भी बाहरी व्यक्ति को हम अंदर नहीं आने देंगे, जिससे हमारे नगर की सुरक्षित रहे और सभी सुरक्षित रहे। आप लोग बिल्कुल प्रशासन पुलिस प्रशासन नेपानगर क्षेत्र में कम है, कहाँ का पुलिस प्रशासन जाएगा, इसलिए सामाजिक संस्था के द्वारा पार्षदों के द्वारा नगर की प्रमुख सीमाओं को बंद किया जा रहा है। नेपानगर खंडवा जिले से लगा होने के चलते खंडवा से आने वाले किसी भी व्यक्ति को नेपानगर में नहीं आने दिया जाएगा, ना ही नेपानगर से किसी व्यक्ति को बाहर जाने दिया जाएगा। अति आवश्यक कार्य होने पर प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति लेकर ही नगर के अंदर दाखिल होने की अनुमति दी जाएगी। नगर के जागरूक लोगों ने नगर पालिका कार्यालय के पास हाईवे से आने वाले प्रमुख मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया है। हेल्प द पुअर ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि नगर में पुलिस बल की कमी है, जिसके चलते नगर के युवा भी प्रशासन की मदद करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और पूरे नगर की सीमाओं पर पहरा दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या मंशा है आपकी और कौन लोग आपके इसमें सहयोग कर रहे हैं सीमा को सील करने में? आज की तारीख में जो है खंडवा जिले में 5 कोरोना के संक्रमित पॉजिटिव मरीज पाए गए और ये खंडवा से बहुत ज़्यादा नज़दीक है नेपानगर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है संक्रमण का। तो हम लोग बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल भी नेपानगर में प्रवेश नहीं दे रहे और चारों तरफ से सीमाओं को हम लोग लॉक कर रहे हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को आने नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ में उपाध्यक्ष सुजीत पाटिल जी, पार्षद प्रदीप जी और हेल्प द पुअर ग्रुप के सारे सदस्य, पार्षद सुरेश सोनवनी जी भी है, तो हम लोग सब मिलके ये कार्य कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।